शुभ मंगल सावधान। पैसा कब दे दिया बोल, तेरे जबान को क्या हुआ? I'm really sorry, चुनी डार्लिंग, वो क्या करूँ, मेरा पतंग का प्लास्टिक के पतंग का जो बिजनेस था ना वो फ्लॉप हो गया। हफ्ते के अंदर तूने 20,000 नहीं दिया ना तो तू गया। मुझे सिर्फ 20,000 रुपए चाहिए। दोस्त वोस्त में पैसा वैसा लाने की कोई जरूरत नहीं। झगड़ा होता है। मुझे लाख लाख शुक्रिया नहीं, मुझे लाख लाख रुपए चाहिए। लाख लाख रुपए? और उसमें से 20,000 रुपए अभी चाहिए एडवांस। कलयुग आ गया, देखो ये ज्योति ने कहा था कलयुग में दिखेगा सफेद कौवा। अच्छा वो क्या है? देखो क्या, सॉरी तूने क्या बोला था, कम से कम ये 50 का मारे। 50 का ही है। 50 का है? 50 पैसे का है। आप दोनों मुझे निकम्मा समझते हो ना? अब देखना, एक हफ्ते के अंदर मैं लखपति बन के दिखाता हूँ। इट्स माय चैलेंज। यस। गाँव वालों, एंडी साहब आ गए हैं, आनंद साहब आ गए हैं। खोलो खोलो जल्दी खोलो। आनंद साहब आ गए, आनंद साहब आ गए, आनंद साहब आ गए। ब्लेस यू चिल्ड्रन, ब्लेस यू। वेट वेट, તમારું ભલું કરે। અરે શરૂઆત મારાથી છે। दरवाजा खोलने के 20,000 रुपए देता हूँ। एंडी मतलब आनंद साहब, क्या है कि आप इसी तरह पैसे लुटाते रहे तो? डोंट वरी, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं दुनिया के सारे भिखारियों को करोड़पति बना सकता हूँ। आनंद साहब मुझे भी करोड़पति बना दीजिए ना। क्यों, तुम दोनों ने मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद की थी? अफसोस, उस वक्त हमें पता नहीं था कि एक दिन तुम इतने बड़े आदमी बनोगे। यहाँ बहुत गर्मी हो रही है मुझे। आनंद बेटा, तुमने मुझे पहचाना ना? ये देखो, आपको कहीं देखा हुआ लग रहा है। अरे बेटा, ये तुम्हारे मेहरा अंकल हैं। इन्होंने बाल डाई करवा लिए क्या? नो, ओरिजिनल है। ये अपनी सोसाइटी के सेक्रेटरी होते हैं। हाँ हाँ, मुझे बहुत गालियाँ दिया करते थे ये। आई रिमेम्बर। तब मैंने इनका मेंटल स्टेटस को ठीक नहीं था। मुझे तो अभी भी ठीक नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो पुत्र, तुम एक काम करो, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो फटाफट। आई एम सॉरी अंकल, मिली जुली मेरे टाइप की नहीं है, यू नो। मुझे पता था बेटा, मुझे पता था। आप यहाँ देखिए ना, आप तो बिल्कुल मेरे टाइप की नहीं है। अरे अरे, ये हमारी बेटियों के बारे में बात कर रही हैं। आपकी बेटियाँ? ये कौन से सर्कस से उठा के लाए हैं आप? अरे मैंने तो तुम्हारे ऊपर आत्मकथा लिखी है, सुना? शीर्षक है लुक्के आंटी से आपकी बेटियों से शादी नहीं कर सकता, I'm sorry। लेकिन 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 आप इनकी शादी मेरे नौकरों से करवा सकते हैं। डोंट वरी, मेरे नौकर दिलीप तिने जैसे लुक्खे नहीं है, यू नो। मैं उन्हें सिर्फ घर सफाई के 1,00,000 रुपए देता हूँ। 1,00,000 रुपए? एक साल का? एक महीने की। एक महीने का? तो मैं आपका नौकर बनने के लिए तैयार हूँ आनंद साहब। करीम, आपका नौकर बनने के लिए तैयार हूँ आनंद साहब। मुझे एक धोबी की भी जरूरत है। अरे तो मुझे रख लो ना, मेरी बीवी से पूछो मैं कितने अच्छे कपड़े धोता हूँ। आप लोग आगे अंदर ले करो, आप लोग डिसाइड करो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो दिलीप विनय, तुम लोगों की मेरे कपड़े धोने की औकात नहीं है। गेट आउट, गेट अप, गेट आउट। ए गेट अप ए भाई, चलो चलो गेट अप। औकात नहीं है बोल रहा है, अबे औकात तेरी है, क्योंकि आज बारी भी तेरी है हमारे कपड़े धोने की और बर्तन मांजने की। चल चल। वो कौन तुम लोग? मेरे करोड़ रुपए कहाँ गए? मेरी गाड़ी कहाँ गई?
तुम लोगों ने मेरे करोड़ रुपए चुरा लिए, तुम लोग चोर हो, चोर। ये लोग चोर। ये अरे हम क्या चुराएंगे तुझसे? दिलीप प्लीज समझा इसे, वरना मैं ढो डालूंगा इसे। तू क्या समझाएगा? हाँ तू क्या समझाएगा? दो डालो, दो डालू? कम ऑन, क्या बोल रहा है? ऑन क्या बोल रहा है तू? मारो मारो मारो, मुझे मारा मारी देखने का बहुत शौक है। नहीं जीरी, एक मिनट मिनट जी, आप एंडी जी को क्यों मारने वाले थे? Because एंडी जी, एंडी जी एक नंबर का कमीना है, बोल रहा है जेब में चवन ही नहीं है और करोड़ों रुपए के सपने देख रहा है। सपने देखना बुरी बात है क्या? तुम लोग बताओ। एक मिनट, कल जब से ऑफिस में इसने अखबार में कुछ पढ़ा है, तब से लेकर के आज तक कुछ अजीब और गरीब हरकतें कर रहा है ये शख्स। बताओ ऐसा क्या पढ़ा, क्या पढ़ा तुमने उस अखबार में? एक मिनट भाई साहब, मैंने उर्दू अखबार नहीं पढ़ा था, मैंने इंग्लिश अखबार पढ़ा था और उसमें केबल वालों के बारे में लिखा हुआ था। आजकल के केबल वालों की सर्विस बेस्ट, वर्स्ट, ऊपर से डबल ट्रिपल भाड़ा वसूल करते हैं। बिल्कुल सच कह रहे हैं पांडे जी, पिछले महीने हमारे घर में एक दिन भी केबल नहीं दिखाई दिया और पूरे महीने का किराया उसने हमसे लिया। एग्जैक्टली मिल गया मुझे केबल वालों के खिलाफ सबूत। आओ और इस पूरे जहां को बता दो चिल्ला चिल्ला कर कि ये केबल वाले हम पर कितना जुल्म ढाते हैं। देखिए भाइयों, जब आजकल के जमाने में टीवी इतनी बड़ी तादाद में देखा जाता है, तब ये केबल वाले हम पर कितना जुल्म करते हैं। दे आर पथेटिक। ओ भाई, केबल का इशू बाहर निकाल कर आपका क्या फायदा है? आप क्यों उछल रहे हो? ये बात मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, क्योंकि अगर ये बात मैंने तुम लोगों से बता दी तो तुम लोग मुझे वो काम करने नहीं दोगे जो मैं करना चाहता हूँ। यानी कि तुम कोई गलत काम करोगे ना? ऑफ कोर्स। मेरा मतलब है तुम लोग गलत समझो या सही, लेकिन मुझे समाज सेवा करनी ही पड़ेगी। अरे भाई हम उसे क्यों गलत काम समझे? कपड़े धोना और बर्तन मांजना कोई गलत काम थोड़ी है। बिल्कुल नहीं। अब वो काम तुम करो। अरे ये अट्टहास्य करके कहाँ चला? मार अक्षय, मेरे को मालूम है तू एक साथ 50 विलन को भारी पड़ सकता है। मार या लात लात के मारी बेनी मचा चार फूल फूल हम बोड़ ले फूल अभी की फूल ये मुकेश अब बोल ये क्या मारधाड़ वाली फिल्म लगा के रखी है? चलो चलो चैनल बदलो और वो मेरा वाला सीरियल लगाओ, क्योंकि ससुर भी कभी दामाद था। नहीं 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 नहीं, तू सीरियल कहाँ देखती है? तू तो उसमें वो लेटेस्ट डिजाइन की साड़ियाँ देखती है जो बाद में मेरे पास तू डिमांड करती है। नहीं नहीं नहीं, लाते कहाँ हो? बजट कहाँ है? चलो चैनल दो, चैनल बदलो, चलो। अरे पर सोनू नहीं आता। अरे सोनू आलोय पीके पुष्पा। साइलेंस साइलेंस, ना आपकी ट्रेजिक सीरियल और भैया ना आपकी एक्शन सीरियल, देखेंगे तो सिर्फ डिटेक्टिव सीरियल। कॉन्सेंट्रेट। हमें तो खोटू छे ये मुकेश, इसी ने खून किया होगा। मैंने पढ़ा था मुकेश। एविन का कनेक्शन तो गया, अब किसका कार्टून? ये कौन ला रहा है? यार तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है? मुझे पता है पैसे देने में एक ही दिन बचा हुआ है, मैं कर रहा हूँ ना आप लोगों का काम। अबे केबल क्यों काटा? अरे बोलना यार, समझता नहीं यार, बिल्डिंग के भी हाथी जैसे बड़े कान होते हैं। लेकिन केबल क्यों काटा? बता रहा हूँ कि मेरी चाल है, अभी केबल काट दिया, अब मैं सेक्रेटरी के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि हमारा केबल सिस्टम घटिया है, हमें डिश एंटीना लगवानी चाहिए। और डिश एंटीना में तू कमीशन खाएगा क्या? तुझे कैसे पता चला? कमाल का है तू, तू काले भाई का काम छोड़ और मेरे साथ आ जा। ए तू आराम मत बोलियो। मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक। तो अभी जैसे गाना गाते हुए आया था ना, वैसे गाना गाते हुए जाओ और मुझे अपना काम करने दे। ये ले सुन। डर क्यों? ओए काट कर, जी तो करता कि तेरे को काट कर रख दूं। वो तेरे घर का केबल काम नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूं? मैं क्या तेरे घर में आके नाचूं? हाँ नाचो, टीवी नहीं तो तुम्हारा नाच ही सही, कुछ मनोरंजन तो मिलेगा। ओए खोतिया, सिर्फ तेरा ही नहीं, पूरी सोसाइटी का केबल काम नहीं कर रहा है, सबके घर जाके मैं नाचने लगा तो मैं तो मर जाऊंगा। ओहो। अरे नहीं, आप ऐसे नहीं मर सकते,
पहले सोसाइटी का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, उसके बाद मरिए, जल्दी क्या है? देखा, मेरे को मरने के लिए बोल रहा है। अरे फोन दो जी मुझको। क्या समझ रखा है आपने अपने आप को? अरे हाई हील की सैंडलों से सर तोड़ दूंगी, अरे फुटबॉल से घर के सारे शीशे तोड़ डालूंगी। हाँ हाँ, अरे डरती। ओए ओए पागवाने क्या बोले चली जा रही है? ओए बोलने दो ना जी, उन्होंने तो फोन काट दिया है। पायला गोंडी, पायला गोंगल। एंडी बेटे कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ आंटी, आप? एकदम ठीक हो ना? आज मिठाई की दुकान लूट के आ रहे हो क्या? जो इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हो? चोरी और मैं आंटी? नहीं नहीं, मैं तो ये बताने आया हूँ कि हमारी सोसाइटी का केबल खराब है। पता है मेरे को, पता है, कम से कम 50 फोन आ चुके हैं। अब अगर तुमने मेरे को अपने सामने नाचने के लिए कहा ना, तो मैं तेरा गला काटूंगा। मुगल रिलैक्स, मैं तो इस प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आया हूँ आपके पास। व्हाट? हाँ सुनिए, मैं चाहता हूँ कि क्यों ना हम सोसाइटी में डिश एंटीना लगवा दें। एंटीना? एक बार खर्चा होगा, फिर जिंदगी भर का आराम। वेरी गुड, वंडरफुल, इससे तो हमेशा के लिए प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। वाह एंडी वाह, वाह मेरे पुत्र क्या सलूशन लाया है। मैं अगर बादशाह होता ना तेरे इस सजेशन के लिए, मैं तेरे को हीरों का हार दे देता। मुझे तो अब तक नहीं दिया। अंकल आप हार आंटी को ही दीजिए, मुझे तो सिर्फ परमिशन दे दीजिए कि मैं सोसाइटी के लिए डिश एंटीना लेकर आऊं। ग्रांटेड। यो मामा, डिश एंटीना खरीदने के बहाने कमीशन खाऊंगा और 20,000 रुपए कालिया भाई के मुंह पे मारूंगा। तुम लोग हमेशा ये गाना गाते हो, इस बार नाच के दिखाओ। चलो चल, तेरे को कालिया भाई ने बुलाया है, तेरे को मस्त मुजरा दिखाएगा उधर। प्रॉमिस? पक्का आ जा। चलिए कालिया भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी से मुझे मुजरा दिखाइए। क्या बोला? आपके टॉमी ने कहा कि आप मुजरा दिखाने वाले हैं, दिखाइए। अबे फालतू बात बंद कर, सुना है सोसाइटी में डिश एंटीना लगा के तू कमीशन खाने वाला है। बिल्कुल सही सुना है आपने, ऐसे काम में मेरा दिमाग एकदम सॉलिड चलता है। स्कूल में सब लोग मुझे आइंस्टाइन बुलाते थे। अबे वो आइंस्टाइन की औलाद, उसमें मेरा लाखों का नुकसान करेगा। आपका नहीं कालिया भाई, यहाँ के केबल वाले का। उसके पेट पे मैं ऐसी लात मारी है ना मैंने, इतना रोने वाला है वो। अभी रोने वाला तू है। मैं क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी का केबल वाला मैं हूँ। आप मजाक कर रहे हैं ना? अबे सोसाइटी में मेरा केबल चल रहा है। अब मरने के लिए तैयार हो जा। याद कर अपने भगवान को। आँख बंद कर ले, अपनी मौत नहीं देख पाएगा तो। इसमें गोली नहीं है यार। बस आज आपका मारने का प्रोग्राम था। हाँ मैंने तो गोली डाली नहीं। तेरी तो। सोसाइटी का केबल वाला कालिया, मेरा अंकल। नो नो नो, हम अपने पुराने केबल वाले को दोबारा सोसाइटी में नहीं बुला सकते। तेरा डिश एंटीना वाला आइडिया बहुत अच्छा है, वही चलने दे। नहीं अंकल, वही मैं आपको बताने आया हूँ, डिश एंटीना बहुत महंगी आती है, प्लीज आप उसे चेंज कर दीजिए। प्लीज अंकल, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। अरे अरे स्लीपर ना चुरा लिए। स्लीपर चोर, खड़ा हो जा। अंकल अंकल मेरी जान खतरे में है, बचा लीजिए प्लीज। देखो भाई देखो, सोसाइटी के फायदे को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। अब आप जा सकते हैं। नमस्ते आंटी। नो आंटी, नो शांटी। अंकल। नो अंकल। नो नो शंकल। शंकल आंटी। कौन बचाएगा तुझे इस मुसीबत से? तेरे दोस्त तो दुश्मन को भी साधु कहलाए, ऐसे शैतान निकले। आंटी जी, क्या है? दिलीप जी गए। दिलीप जी बीच बवंडर में छोड़कर अपनी नाव लेकर खुद चले गए। कौन निकालेगा मुझे इस बवंडर से? कौन देगा मुझे पैसे? पैसे? अब भगवान पर विश्वास रखिए, भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। मतलब मैं मंदिर जाकर चोरी करूं? क्या सिखा रही हो तुम मुझे? मिली आंटी जी, हमारा मतलब वो नहीं था। हाँ। हमारा मतलब ये था, मुसीबत के समय में जब दुनिया साथ छोड़ देती है ना, तो बस माँ बाप होते हैं जो हमेशा साथ निभाते हैं। ब्रिलियंट। सुनती हो? फोन उठाओ आके। आपको सुनाई दे रहा है ना, आप नहीं उठा सकते? अलसी कहीं के बिल्कुल अपने बेटे पे गए हैं। हेलो हेलो मम्मी। एंडी बेटे, अरे मेरे लाल, मेरे गुलाल, कैसा है तू?
कहाँ है तू रे? मम्मी मैं हॉस्पिटल में हूँ। वार्ड बॉय की नौकरी मिल गई है क्या? नहीं मम्मी, अभी तक मुझे नौकरी मिली नहीं है। मैं नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा था तभी रिक्शा ने मुझे उड़ा दिया। हाय राम, हम लोग मुंबई आ जाते हैं। हेलो 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 मम्मी, फोन में बात कर रही हो ना? फोन नीचे है। हाँ बेटा, हम लोग मुंबई आ जाते हैं। नहीं नहीं मम्मी, मुंबई आने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ थोड़े से पैसे भेज दो ना, 20-25 हजार रुपए, उतने में काम चल जाएगा। बहुत दुखता है। देखिए एंडी का फोन है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। अरे वाह, मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस, क्या बात है। अरे कैसे निर्दय बाप हो। क्यों बे, निकम्मे कहाँ है तू? पापा बहुत बुरे हाल में हूँ, मेरा पैर टूट गया है, हाथ फ्रैक्चर हो गया है, आंखें घूम गई है, मुंह से झाग निकलने लगा है। अच्छा कौन से अस्पताल में हो आप बेटे? परलोक हॉस्पिटल पापा। अरे वाह, अच्छा एक काम करो, वहाँ मेरा एक बहुत अजीज दोस्त है डॉक्टर मच्छर, आप उसे फोन दो, मैं उसे बताता हूँ, बिल्कुल मुफ्त में तेरा इलाज हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं, मतलब वो डॉक्टर मच्छर करे ना, उसको मच्छर ने काट लिया इसलिए उसको मलेरिया हो गया, इसलिए वो घर चला गया है। अच्छा एक काम कर, तू वहीं रुक जा, दूसरी ट्रेन पकड़ कर मैं बम्बई पहुँचता हूँ। नहीं नहीं पापा, मेरी बात तो सुनिए। निकम्मे हरामी झूठ बोलता है, फोन रख जाए, नौटंकी कहीं का बिल्कुल तुम्हारे पे गया है। अब पता चला शक्ति पिक्चर में बच्चन साहब क्यों बुरे रास्ते पर चल पड़े थे। नहीं आंटी, बुरे रास्ते पर चलने से पहले मैं खुदकुशी कर लूंगा। भयानक तरीके से मत रो भाई, बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है हम सबको। सॉरी, लेकिन वैसे बड़ा अच्छा बंदा था एंडी। बस कभी कभी एंडी तो हमारी सोसाइटी की शान था और हमारे घर का शोले था। पता है हमेशा मुझसे भाभी जी कह के 100-100 रुपया मांग के ले जाता था बेचारा। बस मुझसे तो 200-300 से नीचे कभी नहीं लिए। एंडी, तुम्हारी जगह कौन लेगा भाई? हाँ। तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। क्या? नहीं मतलब कम से कम एंडी को मुक्ति मिल गई इस मोह माया जाल से। होनी को कौन टाल सकता है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। हरिओम हरिओम, लेट्स गो होम। चल किस चल दिलीप भाई, हर गगो एनो मुंबई गा में गिगु भाई एंडी ना में दिलीप, हिम्मत से काम लो, अगर हमारी जरूरत पड़े तो बुला लेना। दिलीप जी अगर आप कहीं तो हम अभी रुक जाते। फिलहाल हमें अकेला छोड़ दो। अब इनको कौन समझाए मैं क्यों रो रहा हूं। कम्बा है, मेरे 25,000 निकल कर मर गया। अरे मुझसे भी इस नालायक ने इतने पैसे लूटे हैं। घड़ी, हाँ मेरे पैसों से इसने एक इम्पोर्टेड घड़ी खरीदी, वो मुझे मिल जानी चाहिए। मैं भी इसके कपड़े बेच के जो वसूल होता है वसूल कर लूंगा भाई। दिलीप, इसकी एक LIC पॉलिसी है। क्या बात कर रहा है?
अगर वो कहीं मिल जाए ना, अपनी लाइफ सेट है। अरे मैं अरे हंस कह रहे हो तुम लोग? मैं मरने वाला हूँ। I can see the yak of the yam coming and taking me away. Really? चलो फिर तो अच्छा, इसके जाने के बाद हम दोनों आराम से रह सकेंगे। अरे क्या? लेकिन लेकिन एक बात याद रख एंडी, नर्क में जाने के बाद कोई लफड़ा नहीं करना, वो यम से उधारी वगैरह नहीं लेना। ए, देख, 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 देख। उनकी वसूली करने की ट्रिक बहुत ही डेंजरस होती है भाई। अरे कैसे दोस्तों तुम लोग, मैं आज शाम को कालिया भाई के हाथों मरने वाला हूँ, मुझे प्लीज बचा लो प्लीज। सॉरी एंडी, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। दिलीप क्या बोल रहे हो तुम? Our friend is in trouble. Yeah, I'm sorry. Yeah, Andy, please. हम दोनों आएंगे। हाँ, thank you. और तेरी मौत का live transmission देखेंगे। क्या? रुके, नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा। केबल गांव। नहीं। ये बच्चा है, ये तो है। Andy, तू तो गया। ₹20,000 का क्या हुआ? नहीं हुआ। देखा? लेकिन मैंने कोशिश की थी कल्या भाई। हाँ, तो भी मरने की कोशिश कर। ये देख, इसे गोली मैंने अपने हाथ से डाली है। नहीं कल्या, अब तू गया। कौन है? जंगूर। जंगूर? जंगूर? अबे लंगूर, अपन नीलिया भाई और ये लालिया भाई। नहीं नहीं, ये तो वो नीलिया भाई, लालिया भाई, ऐसा नाम कभी सुना नहीं आपने? अरे क्यों के सुनेगा, अपन इम्पोर्टेड लोग है, अपन दुबई से आ रहे। ले लवली भाई, इसको और बताओ जरा, इसको सचिन तेंदुलकर ने जितने रन नहीं बनाए होंगे ना, उतने अपन मर्डर कर। ब्यूटी, सबसे पहला वार्नर किसका दिया वानो? किसका? हमारा डिलीवरी करने वाला डॉक्टर का। क्या क्या? नहीं वो क्या है कि ये जो है ना, ये नहीं करने का, उसको सॉरी बोलने का। सॉरी बोल डालिया, तेरा टकला में टन टन बोलूंगा। रुक भी, सॉरी बोल, भाई उसको सुनाई दे रहा है। सॉरी भाई, उसके कान में फर्स्ट क्लास बना जरा, नाच में बना दो। सॉरी भाई, इसने ना बहुत म्यूजिक बजा के मेरे को पकड़ डाला। ए रेडियो चल, गाना बजा, डांस कर। ए दुनिया तू नीचे उठ, चल डांडिया नाचो। क्या थैंक यू, ऐसा छाती निकल निकल के छाती थक गया भाई। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, आइंदा ऐसी कुछ भी गलती बोला तुझे। सॉरी भाई साहब, बुला रहे ले। विनय और दिलीप कहाँ रहे थे? विनय और दिलीप नहीं बोलने का, विनय भाई और दिलीप भाई बोलने का। इधर के दादा लोग हैं क्या? भाई साहब एक मिनट, बोलो। यही दोनों है क्या? वो और नहीं तो क्या। लेकिन मुझे तो किसी ने बताया काफी शरीफ और खानदानी लोग। काहे के शरीफ और कौन सा खानदान, एक नंबर के टपोरी और रोड साइड लोग है, कितने तो मर्डर कर डाले मालूम क्या? थैंक यू भाई साहब, आपने मेरी दोनों बहनों की जिंदगी बचा ली। क्या मतलब? मैं इन दोनों के लिए अपनी बहनों का रिश्ता लाया था। थैंक यू, थैंक यू। नहीं नहीं, इधर क्या बोल रहे थे वो भाई साहब? कह रहा था कि वो अपनी बहनों का रिश्ता आप लोगों के लिए लेकर आया था।